अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शकुन बहुरिया, अजय भैया, इस थप्पड़ की वजह देने की जरूरत नहीं है मुझे कि जूते बयां कर रहे हैं। जूते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या जो क्या जूते में क्या है? मतलब ये जूते देख के सांप क्यों सूंघे तुम लोग को यार? क्या है जूते में, क्या प्रॉब्लम है? क्यों, आप सच नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। आप लोगों को प्रॉब्लम है जूते में तो जूते निकाल के फेंक देता हूँ यार, कौन सी बड़ी बात है? चकिंग मैन, आई गो। कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे डॉक्टर खुराना। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। शकुन, कुछ महीनों पहले हमारे आउट हाउस में रोहन नाम का एक चोर आया था। उस वक्त नैना सो रही थी आउट हाउस में, और जैसे ही वो चोर चोरी करने जाता है वो एक इंसान को देखता है और डर के मारे वहां से छुप जाता है। उस चोर ने उस इंसान की शक्ल नहीं देखी, पर उसने जूते देखे थे उसके, और वो जूते यही जूते थे जो आपने पहने हुए हैं। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि आउट हाउस की चाबी शुभ सर के अलावा आपके पास भी है। उन्हें मत देखिए, वो आपको बचाएंगे नहीं आज। शगुन, अजय भैया के पास कोई चाबी नहीं है। इनफैक्ट वो मेरे बिना कभी अंदर गए भी नहीं नैना से मिलने। पर शुभ सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन्होंने डुप्लीकेट चाबी बना ली हो। शुभ, क्या हो रहा है शुभ? मतलब मैं तुम्हारी मदद करने आया था यहाँ अच्छे से। और मदद करने आए थे? ये कोई मदद नहीं करने आए थे। और शुभ सर, आप इन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। ये भी तो हो सकता है ना कि नैना के गुनहगार यही हो। बोलिए सर। एक मिनट। यू मीन टू से कि मैंने नैना का रेप किया है? तेरा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मैं एक इज्जतदार डॉक्टर हूं, और तुम्हारे पति ये शुभ है ना, शुभ, इससे पुराने ताल्लुकात हैं मेरे। पूछो इससे, सोसाइटी में मेरा नाम है, मेरी खुद की फैमिली है, रुतबा है, सब कुछ है। इतना घिनौना काम करूं मैं? और शुभ, तुम्हारी पत्नी है ये शकुन, तुम चुप्पी मांग के खड़े हो सर? तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया? नैना के बारे में दुनिया से छुपाया, किसी को कुछ नहीं बताया, और तुमने मेरे साथ ये किया? तुम एक काम करो, तुम आज से नैना के लिए कोई और डॉक्टर ढूंढ लो इलाज के लिए। नहीं नहीं, बहुत हो गया, और सब कुछ लुटा दिया, अपना करियर दांव पे लगा दिया, और तुमने ये सलाह दिया मुझे? मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त। और ये हम कैसे मान ली? सारे सबूत तो आपके खिलाफ है ना शकुन। अजय भैया ऐसे नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। पर शुभ सर, बात को समझिए, रोहन ने जो स्केच बनाया था जूतों का, वो यही जूते थे। अरे जूते 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 की तुम क्या प्रॉब्लम, क्या है जूते में? इतना बड़ा नाटक खड़ा कर दिया जूते की वजह से। नाटक नहीं हो रहा है यहाँ पे, नाटक आप कर रहे हैं। रोहन ने इन्हीं जूतों का स्केच बनाया था। और इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? आप यहाँ से इतने आसानी से नहीं जाएंगे, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। शकुन, वाह वाह, गुड 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 गुड, मुझे डिनर पे बुला के यहाँ पे तमाशा खड़ा कर दिया, मजा आ गया। वेरी गुड।
अजय भैया, अब डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं ना, और जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको डरने की क्या जरूरत है? और शगुन का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। वाह शो, वाह वाह, कमाल कर दिया। अरे इस लड़की की तो आदत है तमाशा करने की, लेकिन तू भी तमाशे करने लगा है। अरे तीज पर भी पुलिस आई थी, अब आज भी पुलिस आएगी। ये घर है कि थाना? हाँ, बेचारों को खाने पर बुलाया, अब इनकी बेइज्जती कर रहे हो, ये अच्छा लगता है क्या? ओ मैडम, अपनी मेहमान नवाजी अपने पास रखिए और मुझे बख्शिए। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। शकुन, शकुन क्या कर रही हो? शिव सर रुकिए। शकुन प्लीज। हेलो पुलिस स्टेशन। शकुन रहने तो। शकुन डॉक्टर अजय, आपको हमारे साथ चलना होगा। बस अभी यही देखना रह गया था, खाना खाने आया था और ये दिखा दिया तुमने। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, उसके पहले मैं एक बार, सिर्फ एक बार नैना से बात करना चाहता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ। पहले आपने नैना की दिमागी हालत का फायदा उठाया, अब आप उसी को बुला रहे हैं सबूत के तौर पे। वाह इंस्पेक्टर। शुभ सर। शुभ, एक बार तो कुछ तो बोल, एक बार तो मदद कर दे अपने दोस्त को यार। इंस्पेक्टर साहब, एक बार, सिर्फ एक बार। नैना जी को बुलाइए जल्दी। शुभ सर प्लीज, इनकी बात। शगुन फिक्र मत करो, मैं यहां हूं, नैना को कुछ नहीं होने दूंगा। वाह, नैना को ले आई। कहाँ जा रहे? कहाँ? अरे डॉक्टर, आप कहाँ चले गए थे? कल रात में बहुत अच्छी नींद आई थी, कितनी अच्छी कहानियां सुनाई थी आपने, बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी। तुम्हारा डॉक्टर तुमसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता है। मैं पूछूं? फिर कहानी सुनाओगे? हाँ। नैना, इन सबको ये बताओ कि कभी भी मैं तुमसे अकेले मिलने आया हूं। मैं तुमसे अकेले में तुम्हारे ये जो पति हैं शुभ, उसकी ना मौजूदगी में मैं तुमसे मिलने आया हूं। डॉक्टर अजय, ये सारे सवाल से कुछ हासिल नहीं होगा, कोर्ट इनकी गवाही नहीं मानेगा। अरे कानून की लड़ाई मैं लड़ लूंगा इंस्पेक्टर साहब, अब फिक्र मत कीजिए। फिलहाल मुझे घर की लड़ाई लड़ने दीजिए प्लीज। पूछने दो इनसे कुछ सवाल, करने बहुत जरूरी है, क्योंकि घर वालों ने मुझ पे तहमतें लगाई कि मैंने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया है। नैना से पूछना बहुत जरूरी है। नैना, इन सबको बता दो एक बार कि मैंने कभी भी तुम्हारे साथ गलत सलूक किया है। कभी भी तुम्हें यहां वहां गलत तरीके से छुआ है मैंने? प्लीज बोलो, प्लीज। हाँ। हाँ हाँ नैना, बोलो बोलो नैना, डरने की कोई जरूरत नहीं, बोलो। हाँ, एक बार इन्होंने ना बहुत जोर से मेरे ऐसे कान खींचे थे, बहुत जोर से, क्योंकि मैं दवाई नहीं ले रही थी ना, तो इसलिए खींचे, बहुत जोर से खींचे थे आपने, बहुत जोर से खींचे थे। अब यहाँ कैसे मुझसे मिलने आया? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? पुलिस पुलिस हाय, चलो पुलिस। ओ कनिका जी प्लीज,
अब तो चुप मत बैठिए यार, पानी सर के ऊपर से जा रहा है, बोल दीजिए कुछ प्लीज। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।